नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विश्वमन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट, जो पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोग, पूरे इसके एंगल का टेबल, सम पार्टिकुलर एंगल वाला जो आपका टॉपिक है, इसके टेबल सारा हम लोग अच्छे से पढ़े थे उसके एक कंसेप्ट के साथ। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पीछे जा करके उसके वीडियो को उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना। इसमें हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट ये एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन लिए आपका लिया हूँ 20। इसमें गिवन है ये राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल ए इज 30 डिग्री है, और एंड आपका ये ए सी साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर, एसी साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर। देन आपका रिमेनिंग जो ए बी एंड बी सी साइड फाइंड आउट करना है, ओके। तो आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन सा ये पढ़े थे, साइन, एक बार मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, कॉस का इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ये मैं आपको बतला चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कॉट थीटा इक्वल टू टेन का इन्वर्स होता है कॉट, एंड कॉट का इन्वर्स होता है टेन, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे इसको लिखा हूँ, थोड़ा सा उसका यूज है यहाँ पे। तो हमें ये जानना है, ये आपका एंगल है थीटा, तो थीटा इज हियर 30 डिग्री, ओके। तो थीटा का इन फ्रंट ऑफ साइड, थीटा का सामने वाला साइड, हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं कि थीटा का सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो हियर परपेंडिकुलर इज व्हाट, बी सी, बी सी इज परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बी सी क्या हो गया आपका, इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बी सी हो गया आपका परपेंडिकुलर, एंड रिमेनिंग साइड बचा हुआ जो आपका साइड है वो क्या हो गया, बेस, बेस बचा हुआ साइड बेस। तो अब मुझे, अब हम लोग को बच्चों, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है इसमें, परपेंडिकुलर एंड बेस, ए बी एंड बी सी। तो क्या करेंगे अब हम लोग को बच्चों, ये देखना है कि इसमें इस 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पी एंड ये क्या है, एच है। सिंपल सी बात है, जब ये पी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या है, ए सी एच है। तो ए सी एच है मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस, या हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज एंड बेस का कोई भी रिलेशन इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो किसमें किसमें है, आप देखो, हम लोग इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, अगर हम लोग इसको भी लेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू गिवन है थीटा, यहाँ 30 डिग्री गिवन है। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग उस टेबल को अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ठीक ना। उसको आप लोग जरूर देखिएगा, सारे लोग को अच्छे से समझ में आएगा, मैं वहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। तो हम लोग साइन थीटा से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, और किससे निकाल सकते हैं ये भी देखना है, कॉस को लेंगे तो बेस निकाल सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन है, तो कॉस को लेंगे तो बेस निकाल सकते हैं, टेन को लेंगे तो परपेंडिकुलर एंड बेस है, तो दो अननोन हो जाएगा, टेन को लेंगे तो दो अननोन हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी नहीं मालूम है, बेस भी नहीं मालूम है, तो इसको नहीं ले सकते हैं, सिंपल आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा हूँ। कॉसेक को लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मालूम है, एक अननोन है, तो ये इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक से भी ये कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज मालूम है, बेस नहीं मालूम है, तो बेस हम लोग निकाल सकते हैं, फिर टेन एंड कॉट को यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर बोथ आर अननोन हियर,
दोनों का दोनों यहाँ पे क्या अननोन है, तो हम लोग छः में से चार को ले सकते हैं, टैन एंड कॉट को सिर्फ नहीं ले सकते हैं। तो छः में से चार का आप कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के आप इसका कोई भी एक साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फिर दूसरे साइड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो किसी को भी लगता है जब साइन एंड कॉस अवेलेबल है तो सेक कॉसेक एंड सेक पे क्यों जाएंगे, साइन से ही लेते हैं। साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनिस होता है परपेंडिकुलर पी, पी का मतलब पी वाई हाइपोटेनिस होता है, तो पी का मतलब हियर क्या है, इन दिस ट्रायंगल पी इक्वल टू बी सी, पी इक्वल टू बी सी हाइपोटेनिस इक्वल टू एच क्या है 20 है, एच इज 20। इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है, हाफ इक्वल टू बी सी बाई 20, 2 से 10, सो बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये कितने अच्छे से बच्चों हम लोग फाइंड आउट किए, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, इससे आप ये तो बी फाइंड, अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड बी के लिए हम लोग अब आप टेन एंड कॉट को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बी वाई पी लेंगे तो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास सारे रास्ते खुले हैं, अब हम लोग के पास सारे रास्ते खुले हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि दो नोन हो या एक अननोन है, तो किसी को भी लेकर के हम अब निकाल सकते हैं ए बी को। तो किसी को भी लेते हैं, सपोज आप टेन को ले लो, टेन 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, टेन 30 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हियर क्या फाइंड आउट किए हैं, टेन परपेंडिकुलर 10, बेस अननोन है तो बेस को लिखते हैं क्या ए बी, ए बी टेन 30 इक्वल टू होता है 1/√3, 1/√3 10 ए बी, सो ए बी इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, सो ए बी इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। आपका दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गया ए बी एंड बी सी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताता हूँ, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके का एक और लेते हैं 21, तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री ए बी सी, एंगल ए ये गिवन है ए बी सी, एंगल ए इसमें भी क्या है 30 डिग्री ही है, इसमें भी 30 डिग्री ही है एंगल ए, एंड इसमें बी सी साइड गिवन है व्हाट 6 सेंटीमीटर, बी सी साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जो भी आपका रिमेनिंग साइड है उसको फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग यहाँ पे कौन कौन सा है, ए सी एंड ए बी, फाइंड ए सी एंड ए बी। तो इसको हम लोग स्पीड में करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझे थे। तो इसमें कौन कौन सा क्या क्या हम लोग, इसमें ये आपका एंगल थीटा है, तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर है, तो इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर से रिलेटेड जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको इसको निकाल, इसको फाइंड आउट करने के लिए एच वाई पी वाले को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिख करके आप यहाँ पे देख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई
बेस होता है। तो ये तीन ही मैं लिखा हूँ, इसको आप देखो, आप देखो इसको, इन तीनों में से कौन कौन सा यहाँ पे यूज एक कर सकते हैं। आप सिंपल सा टेन थीटा को ले लीजिए, टेन थीटा को दिख रहा है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे बेस निकालने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आप इसको परपेंडिकुलर, ये साइन थीटा लीजिएगा तो परपेंडिकुलर एंड एच, यहाँ पे एच फाइंड आउट हो जाएगा। कॉस आप लीजिएगा तो बी वाई एच, तो इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि बी एंड एच दोनों अननोन है। इसके लिए बेस भी नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूज भी नहीं मालूम है। तो स्टार्टिंग में आप इसी तरह से लिख के आप कीजिए। इससे आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि कॉस थीटा नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस भी नहीं है और हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, ठीक ना। तो क्लियर आपका विजिबल है किसे किसे ले सकते हैं, और नीचे भी बहुत सारा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बी होता है टेन थीटा। हियर क्या है, टेन 30 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 बी ए बी 1/√3 इक्वल टू 6/ ए बी। सो ए बी इक्वल टू 6√3, सो ए बी इक्वल टू 6√3। अब यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू 6√3 आ गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, दोनों का स्क्वायर करके कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। लेकिन उसे अब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उससे इजी ये करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल फाइंड आउट करना इससे इजी होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, ए सी फाइंड आउट करना है। तो अब 6 में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों ए सी को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी वाई एच, पी 6 है, एच ए सी है फॉर दिस ट्राइंगल, इस त्रिभुज के लिए साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है 6 वाई ए सी, सो ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके। मैं जब हटता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से हटता हूँ, ठीक ना। और पीछे का इसके पर हम लोग इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके उसका वीडियो, इसके पहले वाले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक ना। और बिल्कुल अच्छे से सारे वीडियो, मतलब सारा इसके पहले का जो भी पार्ट है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये मैं आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन सारा करवा रहा हूँ जो भी अलग अलग टाइप का है। 25, इफ टैन ए माइनस बी, इफ टैन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इफ टैन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड टैन ए प्लस बी इक्वल टू 3। और आपका ये ए प्लस बी जो आपका एंगल है वो 0 से 90 के बीच वेरी कर रहा है, ए प्लस बी जो आपका एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक ना। ए प्लस बी जो आपका एंगल है 0 से 90 बीच में, तो फाइंड करना है ए एंड बी। फाइंड आपको क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को बच्चों, ए एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी बच्चों हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या हम लोग का अप्रोच होगा, अगर हम लोग इसमें ए माइनस बी का वैल्यू कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं एंड ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो दो इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल, ए एंड बी वेरिएबल है, दो दो इक्वेशन दो वेरिएबल अगर हम लोग के पास होता है तो हम लोग दोनों दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इजी वे में, आसानी से दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो कैसे हम लोग को ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे?
गिवेन है आपका, गिवेन टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आप इसके पहले वाले वीडियो में जा करके देखिएगा तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। 1/√3 कितना होता है, टेन में कौन सा एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन में कौन सा एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है, कितना एंगल का, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बच्चों। तो आप यहाँ पे अब इसमें एंगल को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, बट इसको कंपेरिजन हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इसको कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि दोनों टेन ही है, सो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या बच्चों, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्योंकि यहाँ भी एंगल टेन के साथ ए माइनस बी है एंड यहाँ भी एंगल टेन के साथ क्या है 30 है। तो टेन टेन हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में एंगल नहीं होता है, रिलेशन होता है, एंगल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड में जो आपका गिवन है वो क्या है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए प्लस बी इक्वल टू 3, टेन ए प्लस बी 3 बच्चों किसका वैल्यू होता है, 3। मैं फिर आपको बोलूंगा, आप पिछला वीडियो जाकर के देखिए, अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो टेन 30 होता है, टेन 60 होता, टेन 60 क्या होता है 3। अगेन ए प्लस बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 30 डिग्री। ए प्लस बी ये 30 नहीं होता है, ये कितना होता है 60 होता है, 1/√3 30, 3 60, 3 कितना होता है 60, तो क्या लिखेंगे 60 डिग्री। सेकेंड, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है एंड दो इक्वेशन है, तो ऐड ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए प्लस बी इक्वल टू 60, ऐड करेंगे तो कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2 ए इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 45 डिग्री, सो ए इक्वल टू 40, ए इक्वल टू 45 है, तो बी इक्वल टू, यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू बी का फाइंड आउट कर सकते हैं, सो बी इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ कैसे कैसे इसको हम लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे स्टार्टिंग से। ओके, एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे फिर से, 26 नंबर इसी का, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसका जो अलग अलग एक प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, क्योंकि आपका जो भी एक ही प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हम एक ही प्रकार का एक क्वेश्चन बतलाएंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और जो भी आपका डाउट होगा वो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप अपना डाउट कर सकते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप का सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आपके आपका एक्सरसाइज का जो आपका सिलेबस के अंदर आता है उसी में से, ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर, मैं आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो 26 में क्या है, इफ 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा, इफ 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा, इफ 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3y x इक्वल टू 3y x इक्वल टू cot थीटा एंड 3y x इक्वल टू cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू
फाइन, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। 3x इक्वल टू गिवेन है, 3y x इक्वल टू कॉट थीटा गिवेन है। यहाँ पे स्क्वायर का टर्म मुझे चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, मुझे स्क्वायर नहीं गिवेन है, तो मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या मुझे स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे दोनों इक्वेशन को अलग अलग, तो क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग का मुझे 3 9x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y² तो एक्स स्क्वायर भी मुझे मिल गया, 1y² भी मिल गया। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, पहले इतना हम लोग करते हैं। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप लिख लेना स्क्वायरिंग बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9x² इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा 9। इधर हम लोग फिर से और कुछ करते हैं, सेकेंड वाला जो आपका गिवन है उसको लेते हैं। सेकेंड आपका क्या गिवन है, गिवन है 3y x इक्वल टू कॉट थीटा, इसे भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 9y x² आ जाएगा, मुझे 1y x² भी चाहिए बच्चों, यहाँ पे x² भी चाहिए, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, आप लिख लेना इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9y x² इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर देते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आप लोग को दिख रहा है कि x² माइनस 1y x² हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तब दिख रहा होगा आपको, इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे इसमें से इसको, तो x² माइनस 1y x² 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। तो लिखते हैं क्या क्या बच्चों लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, 9x² माइनस 9y x² बच्चों इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बच्चों 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1y x², हम लोग को यही वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका हम लोग देखते हैं 9 का क्या करना है। बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास में ही पढ़े हैं, फिर दूसरे क्लास में भी पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आइडेंटिटीज है, ये इसका मतलब 1 होता है, ये फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो अब यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या लाना है, 3, तो 3 से डिवाइड, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, आप लिख लेना इसको डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, तो 3 इंटू x² माइनस 1y x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1y 3 आपका क्या हो गया आंसर, 1y 3। देखिए आपका लेफ्ट साइड यही है, इसी को पूछ रहा है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें और एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, बचा हुआ तो कुछ नहीं है, बस यही सब है, एक दो और है, उसको अगले क्लास में करेंगे। हैव अ ग्रेट डे।